क्लास सेवेंथ मैथ चैप्टर आपका चल रहा है बेटा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पिछले क्लास में एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपने ऐड करना सीखा, इस क्लास में आप सीखोगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट सिंपल एक्सप्रेशन, सिंपल एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। टू सब्ट्रैक्ट सिमिलर टर्म, देखो जैसे एडिशन सिमिलर टर्म्स ही ऐड होती है, ऐसी सब्ट्रैक्ट भी सिमिलर टर्म्स ही होंगी, सिर्फ सिमिलर टर्म ही सब्ट्रैक्ट होंगी, ये ध्यान रखना। टू सब्ट्रैक्ट सिमिलर टर्म चेंज द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन मेंटली एंड प्रोसीड एज इन एडिशन। दिमाग में सब्ट्रैक्शन को साइन को चेंज करो और एडिशन की तरह ही उसे आप करोगे। कैसे, देखो जैसे सब्ट्रैक्ट माइनस सेवन ए बी फ्रॉम टू ए बी सी, तो टू ए बी सी एक पॉजिटिव नंबर है, इसे आगे ले लेंगे। बाद वाला फ्रॉम, फ्रॉम के बाद वाला ऊपर लिखेंगे और नीचे वाला पहले वाला बाद में, तो 2abc प्लस का है और माइनस 7abc, हमें क्या करना सब्ट्रैक्ट, तो नीचे माइनस करना, तो माइनस का साइन और ये माइनस का साइन जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी अब आपको 2abc में 7abc प्लस करना है, 2 प्लस 7 9 abc एज इट इज। आप नीचे वाले के साइन को क्या कर दोगे चेंज, सब्ट्रैक्ट करते हुए नीचे वाले साइन को क्या कर दोगे चेंज। अब सेकेंड देखो, सब्ट्रैक्ट माइनस थ्री एक्स वाई फ्रॉम जीरो, तो जीरो ऊपर लिखेंगे, सपोज यहां लिख दिया जीरो एक्स वाई, यहां लिखो कहीं भी लिखो, और पहले वाला बाद में लिख दिया और नीचे वाले साइन को चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो थ्री ए बी सी प्लस जीरो थ्री ए थ्री एक्स वाई एज इट इज ही रहेगा, थ्री एक्स वाई प्लस जीरो एक्स वाई थ्री एक्स वाई। थर्ड एग्जाम्पल, टेक अवे माइनस ए फ्रॉम फाइव ए, फाइव ए से माइनस ए को दूर ले जाओ, यानी सब्ट्रैक्ट का ही क्वेश्चन है, तो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखते हैं, बाद पहले वाला बाद में लिखते हैं और नीचे वाले के साइन को चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर दिया, फाइव ए में फोर ए प्लस करना, फाइव प्लस फोर नाइन ए आपका आंसर आ जाएगा। फाइव एन फ्रॉम थ्री एन थ्री एम, तो अब देखो 3m ऊपर लिखेंगे 5n नीचे लिखेंगे माइनस, अब दोनों लाइक टर्म्स तो है ही नहीं, लाइक टर्म नहीं है, तो इन्हें एज इट इज लिख देंगे 3m माइनस 5n, लाइक टर्म नहीं होगा तो ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे। ये तो था सिंपल एक्सप्रेशन, सिंपल एक्सप्रेशन यानी जिनमें एक टर्म है, एक टर्म वालों को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। अब कंपाउंड एक्सप्रेशन, कंपाउंड एक्सप्रेशन जिनमें दो या दो से ज्यादा टर्म है उनका क्या करेंगे देखना। सब्ट्रैक्ट 2x प्लस 3y फ्रॉम 3x प्लस 7y, तो 3x प्लस 7y पहले 2x प्लस 3y बाद में, और नीचे वाले दोनों का साइन चेंज, तो 2x भी माइनस और 3x भी माइनस, क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 3x माइनस 2x सिर्फ 1x, 1x को सिंपल x लिख सकते हैं, 7 माइनस 3 4y, सेम जो वेरिएबल है लाइक टर्म्स को ही आपस में सिंप्लीफाई करेंगे, तो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3x माइनस 2x सिर्फ x आएगा, 7y माइनस 3y 4y आएगा, ये मोनोमियल सिंपल एक्सप्रेशन की तरह ही हमने इन्हें अलग अलग सोल्व कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर आपके पास आ गया सब्ट्रैक्ट 5a माइनस 3b फ्रॉम 2a प्लस b माइनस 2, तो 2a प्लस b माइनस 2 पहले लिख लिया, उसके नीचे 5a माइनस 3b, इस तरह से कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आ जाएं, नीचे वाले दोनों का साइन चेंज, 5 प्लस में है तो माइनस लिख देंगे, माइनस है तो प्लस लिख देंगे, क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए नीचे साइन चेंज कर देते हैं। 2 माइनस 5 छोटे में से बड़ा जाता है, तो 5 में से 2 माइनस करो 3, लेकिन छोटे माइनस बड़ा हो रहा है तो माइनस का साइन लग जाएगा, बड़े के सामने माइनस है, माइनस 3 है। 1 प्लस 3 4b, 1b प्लस 3b 4b माइनस 2 एज इट इज। सेकंड देखो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री जेड फ्रॉम, फ्रॉम में ये जो भी है पहले लिख दिया, क्या है जो भी, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड प्लस सेवन, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड प्लस सेवन, फिर नीचे लिखा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री जेड, तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, जेड के नीचे थ्री जेड, बाकी ऐसे ही छोड़ दो, खाली छोड़ दो, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री जेड, नीचे वालों का साइन चेंज, माइनस का प्लस माइनस का प्लस, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइव 5x square plus x square यानी 1x square, तो 6x square हो गया, ये as it is minus y नीचे आ जाएगा, 1z plus 3z 4z और plus 7 as it is, बहुत आसान है।
वो बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में, लेकिन लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, नीचे वालों के साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। 5x² प्लस 1x² 6x² माइनस y एज इट इज, 1z प्लस 3z 4z प्लस 7 एज इट इज। थर्ड क्वेश्चन, -2a प्लस b प्लस 4d फ्रॉम 4a माइनस 2b माइनस c। तो 4a माइनस 2b माइनस c पहले लिखेंगे, 4a माइनस 2b माइनस c। फिर ये पहले वाला माइनस 2a, तो 4a के नीचे माइनस 2a लिख दिया, 4a के नीचे माइनस 2a, क्यों, लाइक टर्म्स। प्लस बी तो माइनस 2b के नीचे प्लस b लिख दिया, प्लस 4d ऊपर तो है ही नहीं, c है तो अलग हटके लिखा प्लस 4d, c के नीचे कुछ नहीं लिखा। नीचे वालों के साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 4a प्लस 2a 6a, माइनस 2b माइनस 1b, माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 और 1 3b, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, माइनस सी ऐसा का ऐसा, और ये प्लस के हट बजाय माइनस आएगा, माइनस 4d ये ऐसा का ऐसा। फ्रॉम द सम ऑफ, ये यहां कॉमा है, कॉमा यानी ये एक एक्सप्रेशन है, कह रहा इस एक्सप्रेशन और ये दूसरा है, कह रहा इन दोनों को ऐड करो, फ्रॉम द सम ऑफ दिस दिस एंड दिस, यानी इन तीनों को ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट दिस, इन तीनों को ऐड करो और ये माइनस कर दो ये वाले टर्म। तो पहले तो इन तीनों को ऐड करो, इसको इसको और इसको, तो लिख लो ए स्क्वायर प्लस 4b² माइनस 6ab, फिर ए स्क्वायर बी के नीचे ये माइनस बी स्क्वायर 4b के नीचे लिखेंगे, और 2ab 6ab के नीचे लिख देंगे। इसके अलावा क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी, तो बी स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर, और सिर्फ 6 है तो यहाँ तो कांस्टेंट कोई नहीं, तो और बिल्कुल अलग करके 6 लिख देंगे। ए स्क्वायर माइनस 4ab, ए स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, गैप छोड़ दो, ab के नीचे ab, माइनस 4ab यहाँ ab वालों के नीचे। ये अरेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखो, अगर ऊपर पहले जैसी लाइक टर्म नहीं है तो बिल्कुल हटा के लिख दो, जैसे 6 कांस्टेंट किसी में नहीं तो 6 को बिल्कुल बाहर करके लिख दिया। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a² 4b² माइनस बी स्क्वायर यानी 3b², फिर एक बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा यानी 4b², माइनस 6 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 ए बी साथ में प्लस 6 ये आ जाएगा। तो इन चारों को ऐड करेंगे तो ये आ गया, कहता इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो ये, तो ये पहले 3a² लिख लिया प्लस 4b² प्लस 4b² माइनस 8ab माइनस 8ab प्लस 6 प्लस 6 माइनस 2a² ए स्क्वायर के नीचे ही माइनस 2a² प्लस b² वाले के नीचे माइनस ab के नीचे प्लस a तो ऊपर है ही नहीं तो अलग हट के a लिख दिया। सब्ट्रैक्ट करना है तो इसलिए सबके साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। 3 + 2 5a² 4 - 1 3b² -8 + 1 -7ab +6 - 8 ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, अब एक्सरसाइज देखो, बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट लो और ये तुम्हें खुद करनी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद आपके पास आ जाता है ये थर्ड क्वेश्चन। आगे देखो इसी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन, देखो हाउ मच इज 0 > 0, इससे कितनी ज्यादा है, 0 इसमें से कितनी ज्यादा है, हाउ मच इज 0 > तो 0 में से ये सारा माइनस कर दो, 0 - दिस, 0 में से इस सबको माइनस कर देंगे तो इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 7b² आंसर आ जाएगा। लिख के कर लेना, जैसे 0 में से माइनस करना हमने पीछे सिखाया था। द एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया, ट्रायंगल इनसाइड स्क्वायर हैज एरिया, ट्रायंगल का एरिया दे दिया, स्क्वायर का एरिया दे दिया ट्रायंगल का। शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए स्क्वायर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, यानी इसमें से माइनस करोगे इसको, 4x² में से x² माइनस करोगे 3x² -2x माइनस माइनस प्लस प्लस 4x तो +2x -6 -5 -11
तो ये आ जाएगा आपके पास 3x² + 2x - 11, इसका आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों को प्लस करोगे, किसको, इसको और इसको, और जो आंसर आएगा उसमें से इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सेवंथ, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों को प्लस करोगे, इन दोनों को भी प्लस करोगे और बाद वाले में से पहले वाला, क्योंकि फ्रॉम यहां लिखा है इसमें, तो बाद वाले आंसर में से पहले वाले आंसर को माइनस कर दोगे। मैं ये क्वेश्चन सेवंथ करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन सेवंथ देखो बेटा, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस, तो इन दोनों को ऐड कर लो, 9b² - 3c² 2b² तो 2b² प्लस bc तो यहां है ही नहीं, प्लस bc अलग लिख लिया, -2c² c² के नीचे -2c² आगे पीछे कर सकते हैं एडजस्ट करने के लिए। इन सबको क्या करना है, सम सम करना, तो एज इट इज लिख के सोल्व कर देंगे, 9 + 2 11b² -3 - 2 - 5c² प्लस bc, तो सब्ट्रैक्ट करना इसे फ्रॉम किसमें से, सम ऑफ दिस एंड दिस, तो इन दोनों को ऐड करें, 2b² - 2bc - c², यहां पे प्लस c² पहले ही, तो c² के नीचे c² प्लस 2bc तो इसके नीचे 2bc, -b² - b² नीचे वाले सबके साइन चेंज, माइनस के जगह प्लस, प्लस के जगह माइनस, प्लस के जगह माइनस, सम करना सॉरी प्लस करना है, प्लस करना तो सेम साइन रहेंगे भाई, तो 2b² - b² सिर्फ 1b² -2 + 2 0, तो ये पूरा कैंसिल होके आपस में 0 आ जाएगा, -c² + c² ये भी 0, तो इस पूरे का आंसर 0 आ गया, इसका 0 और इसका b². इसने कहा सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसको सब्ट्रैक्ट करना इसमें से, तो आपको b² पहले लिखना है और ये सब इसके नीचे, यानी 11b² - 5c² + bc, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस, 1b² - 11b² 1 - 11 - 10b² प्लस 5c² और -bc, ये आपका आंसर आ जाए। क्लियर है, अगर एक ही लाइन में लिख के करना चाहें तो वो भी मैं मेथड बता देता हूं। आप क्या करोगे, इन दोनों को पहले लिखोगे 2b², दूसरा मेथड है -2bc - c² प्लस -b² + 2bc + c², बाद वाला, इन दोनों के सम में से सब्ट्रैक्ट करना है किसे, इन दोनों का सम, यानी 9b² - 3c² प्लस 2b² - 2c² + bc, इस तरह से दो मेथड है क्वेश्चन सोल्व करने के। तो पहले इन ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, 2b² - 2bc - c² + -b² + 2bc + c² माइनस, इन दोनों को सोल्व करेंगे, 9b² - 3c² + 2b² - 2c² + bc, माइनस c² से प्लस c² कैंसिल, -2bc से + 2bc कैंसिल, लाइक टर्म्स हो अपोजिट साइन हो कैंसिल हो जाते हैं, 2b² - b² यहां बचता है सिर्फ b², फिर ये माइनस का साइन, 9b² और कोई b² है, ये रहा 9 + 2 11, तो 11b² ये दोनों सोल्व हो चुके, -3c² - 2c² तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, 3 + 2 5c², लाइक टर्म सोल्व करते हैं बेटा, और ये दोनों भी हो चुके, बचा क्या प्लस bc, अब माइनस का साइन हटा देंगे, b² - 11b² जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस का साइन हो जाएगा प्लस,
फाइव सी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस बी सी। बी स्क्वायर माइनस इलेवन बी स्क्वायर जब लाइक टर्म्स हो तो सोल्व करेंगे, वन बी स्क्वायर माइनस इलेवन माइनस टेन बी स्क्वायर प्लस फाइव सी स्क्वायर माइनस बी सी, ये आपका आंसर है। सेम वही जो पहले वाले मेथड से आया था। पहले क्या किया हमने, इन दोनों को अलग प्लस कर लिया था, इन दोनों को अलग प्लस कर लिया था। तो पहले दो को प्लस किया तो ये आंसर आया, बाद के दो को प्लस किया ये आया। बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना तो ऊपर नीचे कॉलम मेथड से रख के हमने माइनस कर दिया। तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोनों मेथड के, इसका ले लो, ले लेना जब वीडियो देखो, और इसको वीडियो को पॉज करके इसको भी देख लेना। क्लियर है? ये चार एमसी वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव एमसी क्यों है भाई, इन्हें देखो और सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं आएंगे तो फिर मैं करवाऊंगा। क्लियर है? ये सिक्स सी के आपके जो एक्सरसाइज दी है ये उसके आंसर्स हैं, तो करने के बाद आंसर जरूर मैच करना, तभी पता लगेगा सही हुआ या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ। और जो ना समझ में आए, आंसर नहीं आ रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है, तो मेरे से पूछ लेना।